जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस नकल कराने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा थी, इस परीक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जो नकल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी में एक डिवाइस बनाते हैं जो कि मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा लगता है, और उस डिवाइस के अंदर ही सिम डालते हैं। साथ ही साथ कान में जो कैंडिडेट होता है, जो नकल करने वाला है, उसके कान में एक चिप डालते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नकल गिराने वाले गैंग का एक आदमी बाहर होता है कहीं दूरी में, वो जो प्रश्न पत्र होता है उसके उत्तर वो बताना शुरू करता है परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद। कैंडिडेट जो बैठा रहता है परीक्षा हॉल में, वो आंसर सुनता है और वो आंसर लगाता है। ये डिवाइस, इस डिवाइस को अंदर ले जाने के लिए ये लोग परीक्षा कराने वाली जो संस्था होती है उसके कर्मचारियों का इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा के दौरान गेट पर चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, इसीलिए ये डिवाइस साथ लेके नहीं जाते हैं। ये लोग परीक्षा सेंटर के अंदर बाथरूम में ये कैंडिडेट्स को ये डिवाइस देते हैं। ये डिवाइस देने वाले परीक्षा कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके कुछ कर्मचारियों के माध्यम से दिलवाते हैं और इस डिवाइस से फिर ये नकल करने का काम करते हैं। इस तरीके से जनपद मिर्जापुर में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, 3 ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं, 14 मोबाइल और 36,000 रुपए करीब नकद बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं, अन्य भी डिवाइसेस बरामद कराए गए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली कटरा कोतवाली की टीम जो हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसएसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको 20,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में नकल गिराने वाले ऐसे जितने भी गिरोह अगर फंक्शन करेंगे उन सबको पकड़ करके उनपे गैंगस्टर इत्यादि करके उनकी संपत्ति कुर्क कराने का भी कार्रवाई की जाएगी।